होली दा जोड़ा तानी केसिया सवारे दा नथिया उतरिया पहले बाली उतारे दा तोहरे बधनवा रख ध्यानवा राजा जी हो। और कोई गाना आपको आता है, कोई गाना सुनाना चाहोगे आप? बताइए। क्या पानी पियोगे? प्यास लगी है क्या आपको? नहीं। कोई गाना और याद है आपको? गाना याद है बताओ। हाँ याद है। कौन सा गाना बताओ? बताए। हाँ बताओ। कोई हिंदी गाना? हाँ सुनाओ। हर पल मेरे होठों पल तेरी ही बस कहानी है। हर पल मेरे होठों पल तेरी ही बस कहानी है। हर पल मेरे होठों पल तेरी ही बस कहानी है। कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है, अरे ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है। नाम तेरा रख ते रखते मैं भूल चुका हूँ अपना नाम। याद तुझे करते रहते और नहीं कोई दूजा काम। नाम तेरा रखते रखते मैं भूल चुका हूँ अपना नाम। याद तुझे करते रहते हैं और नहीं कोई दूजा काम। हो लोग कहे कि पागलपन की यही सही निशानी है। लोग कहे कि पागलपन की यही सही निशानी है। कहने वाले कहते हैं ये कोई प्रेम दीवाना है, ये कोई प्रेम दीवाना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्यास तो नहीं लगी आपको? ये कोई आपको प्यास तो नहीं लगी है? बताएं। बताइए। पानी पीना है? ढोलक है? ढोलक तो यहाँ पे नहीं है मेरे पास अभी। अभी ऐसे ऐसे गाओ। ऐसे ढोलक नहीं है मेरे पास। अगली बार आपको ढोलक के साथ इंटरव्यू करूंगा सर। अच्छा ये बचपन से ही नहीं देख पाते या बड़े होने के बाद? सर बचपन से ही है। हमने बहुत कोशिश, बहुत इलाज कराया हमने और कहीं डॉक्टर। कब पता चला आपको कि ये ब्लाइंड है, नहीं देख पाएंगे बाप? हमें पता 6 महीने का जब हुआ, जब जैसे खिलौना वगैरह देने लगे हम लोग, गुब्बारा जैसे देने लगे तो पकड़ने का कोशिश करते थे, ठीक है। और जैसे छोड़ देने पे कोई बच्चा अगर पकड़ लेता है वैसे नहीं करते थे, उसको पूरा हाथों से इधर उधर ऐसे देखते थे। तब ये अपने नानी के यहाँ थे, मैं यहाँ फरीदाबाद में था, हमें खबर आया कि ऐसी ऐसी बात है। मैं यहाँ से भाग के गया, फिर लोग जहाँ जहाँ बोल देंगे वहाँ वहाँ मैं दौड़ते गया लेकर। मैं पैदल बहुत दूर दूर तक इनको अकेले लेके जाता था इलाज करने के लिए। बोलता था कहीं यहाँ ले जाओ, दिखाओ वहाँ दिखाओ। एम्स में भी दिखाया हमने, काफ़ी इलाज चलाया। और फरीदाबाद में एक है हॉस्पिटल, वहाँ भी दिखाया, नेपाल दिखाया, लखनऊ दिखाया, सारे जगह दिखाया। कोई असर नहीं हुआ डॉक्टर का? असर नहीं है। नेपाल में लास्ट में जाकर बोल दिया कि आप इलाज मत करवाइए, कोई फायदा नहीं है, इनकी रोशनी नहीं आ पाएगी, इनकी रोशनी आ नहीं पाएगी। और लखनऊ में मैंने जब इलाज कराया था उन्होंने बोला था कि बड़ा होगा तो इसकी रोशनी आ जाएगी, जैसे चमड़ा बदलते जाता है वैसे बदलेगा तो रोशनी इनकी आ जाएगी। तो एक छत जीने पर से गिर गए, हमने उनमें पैसा ज्यादा खर्च किया, याददाश्त खो गए थे। याददाश्त खो गई थी? याददाश्त खो गए थे। और हमने 15-20 दिन आईसीयू में लेके भर्ती थे मऊ में, और डॉक्टर बोला कि ये अभी बोल नहीं पाएंगे, याददाश्त खो गए। फिर हमने उनसे पूछा कि आप कोई बताइए कैसा उपाय, कैसे बोलेगा लड़का? तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आप
जितने बच्चे होंगे शोर शराबा होता होगा वहाँ आप इसको रखिएगा, हो सके कानों में अगर आवाज गूंजे तो हो सकता इनकी याददाश्त आ जा सके। तो मैं हमारे दीदी के यहाँ शादी था भांजी की, हम वहीं पर ले गए, वहीं पर गिरे थे। फिर हमारा मन हुआ कि हम नहीं ले जाएंगे वहाँ पे। तो अभी शादी एक महीना पहले ही एक कांड हो गया था, जब शादी का दिन आ गया जब तक के हॉस्पिटल से हमने लेके आ गया इनको, वहाँ लेकर गए, शादी का माहौल था, फिर उसमें बच्चों में हमने छोड़ दिया और गाना बज रहा था, बच्चे शोर कर रहे थे। उनकी वापिस आवाज वहीं पे आई, अचानक पापा बोले, पापा बोले, तब कोई लड़का है आकर के बोला कि बाबू बोल दिए। फिर मैं जहाँ खाना वाना पक रहा था मैं वहाँ दौड़ के जा करके इनको गोद उठा लिया, लेके मतलब इमोशनल हो गया, रोने लगा। ठीक है, फिर मैं और कोशिश बोला बेटा बोलो पापा, पापा बोलने के लगा और मम्मी बोलने के लिए कहा, तो मम्मी का मतलब आवाज़ सही नहीं निकल रही थी इनकी। धीरे धीरे करते गए, एक बार मम्मी भी बोले। ठीक है, फिर मैंने लेके गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास लेकर गया और टेबल पर उन्होंने गोद में लेकर टेबल पर डॉक्टर साहब ने बैठा लिया। ठीक है, और बोलने लगे कि बोलो बेटा, तो इन्होंने बोला डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बोला, तभी से ये बात करना फिर चालू कर दिया। अब कोई इनको दिक्कत याददाश्त की या बोलने की? याददाश्त की कोई दिक्कत नहीं है, बोलते हैं जैसे पहले थे वैसे बोल रहे हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये देख नहीं पा रहे, सिर्फ देख नहीं पा रहे हैं बस। आप क्या अपील करना चाहेंगे? आज बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं चर्चा के माध्यम से, आप अपने बेटे के लिए, जैसा कि आप इनको एक बड़ा कलाकार सिंगर बनाना चाहते हैं, तो दर्शकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरे बेटा को आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू आप क्या कहना चाहोगे? पापा आपके साथ बैठे हैं, आप सुन रहे हैं कि आपको जब से आप पैदा हुए कैसे कैसे आपको पापा ने आपके सपोर्ट किया। अभी आपकी ज़्यादा आयु नहीं है, 10 साल के आप होने वाले हो। आप जो आपके भैया चाचा लोग देख रहे हैं, सामने कैमरा है, जब आपकी वीडियो लाइव होगी लोग देखेंगे, आपको प्यार देंगे बहुत सारा, उनको आप क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाहेंगे हम, नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है ओमजीत, और जो मेरा ना वीडियो लाइक कर दे उसको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा हूँ। अच्छा, जो आपको सपोर्ट करे उसको आप, ठीक है, बच्चा है ये, 10 साल का भी पूरा नहीं हुआ है, आप देख रहे हैं, इन्होंने कहीं म्यूजिक क्लास नहीं की है, किसी का गाइडेंस नहीं है, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, फिर भी अगर सुन के ये, आप देख रहे हैं इनके साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो रखी है। पैदा हुए तो इनकी भगवान ने रोशनी छीन ली, आंखें नहीं थी, उसके बाद याददाश्त भूल गए, उसके बाद बोलना बीच में बंद हो गया, अभी आपके सामने ये बैठा हुआ है बच्चा। दोस्तों प्लीज़ आप ना इनका सुर देखिए ना ताल देखिए, इसमें सिर्फ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने कभी आज तक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला है, मैंने हमेशा आपको शेयर और कमेंट के लिए बोला है, लेकिन आज मैं लाइक के लिए भी बोल रहा हूं। मैं नहीं बोलता कभी भी, लेकिन भाई बोल रहा है, मेरा बाबू बोल रहा है कि वीडियो को लाइक करें। अगर लाइक से इनके मन को हौसला मिलता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मैं जानता हूँ इनके अंदर अभी थोड़ी बहुत कमी है, वो जब संगीत सीखेंगे तो अपने आप दूर हो जाएगी, क्योंकि ललक है और इनके लाइफ में सिर्फ एक ही एम है, एक ही लक्ष्य है, गायक ब्यास सिंगर बनना है। और ये एकदम अभी देखा जाए तो ब्लाइंड, ये खाली आँखों से ही नहीं है, मन से भी अभी अंदर से ब्लाइंड है, इनके अंदर जो भरा जाएगा वही ये ले लेंगे। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके इनका हौसला, इनका और इनके पिता का हौसला जरूर बढ़ाएं, क्योंकि अगर इनका हौसला नहीं बढ़ेगा तो ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके भविष्य का पूरा जिम्मेदारी इनके हाथ में है। सर आप चर्चा में आए, तहे दिल से शुक्रिया, और मुझसे जो हो सकेगा मैं भी भाई की, मेरे बाबू की जरूर सपोर्ट करूँगा, और इनको संगीत जरूर सिखवाइए, ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर, और एक गाना और गा दो बेटा। गाओ गाना, गाओ, माइक ऑन कर दिया आपके लिए, गाओ। ठीक है, गाइए। गा रहा हूँ। गाइए गाइए। कौन वाला? ये होगा हिंदुस्तानी, ठीक है।
होली द जोड़ा तानी केसिया सवार द नथिया उतरी हा पहले बाली उतारे द तोहरे बधनवा रख धेनवा राजा जी हो तोहरे बधनवा रख धेनवा राजा जी मजमारे में तुरबा मजमारे में तुरबा नाए मैं गहनवा राजा जी माजा मारे में तुरबा नाए मैं गहनवा राजा जी। बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा। आप ऐसे ही गाते रहो, पापा जैसा कहते हैं वैसा ही करते रहो। संगीत जरूर आप सीखना, पापा सिखवाएंगे, मैं भी हेल्प करूंगा, और आप बढ़िया गाना खूब मन लगा के सीखना, ठीक है? आप प्रॉमिस कर रहे हो सीखोगे ना? हाँ। चलो ठीक है, आप दोनों का धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपको, चर्चा टीवी के बाद चैनल्स को भी धन्यवाद देता हूँ।